1600 साल पहले एक पल्लव राजकुमार थे। 9 साल उसने इंतजार किया। उसने अपनी ही बाईं भुजा काट दी। वहां से ये आया जो अब प्रसिद्ध है, एक हाथ से नमस्ते। आज भी वो स्कूल बना हुआ है। लगभग 1500 साल पहले एक पल्लव राजकुमार थे जो एक भिक्षु बन गए। वो जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूबे हुए हैं। अपने गुरु की इच्छा अनुसार, जिन्होंने उनसे कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और इसका प्रचार करो, तो वो उत्तर की ओर चले गए। बढ़ते बढ़ते वो चीन तक चले गए। जब वो वहां पहुंचे तो ये खबर फैल गई कि बुद्ध के शिष्य या ऐसे कोई जो इस मार्ग में गहरे डूबे हुए हैं, इस तरफ आ रहे हैं। तो वहां के शासक वु, जिनकी ये जीवन भर की चाह थी, जिन्होंने मेडिटेशन हॉल्स बनवाए, बगीचे, सब कुछ तैयार, सारे बौद्ध शास्त्रों का वहां की भाषा में अनुवाद करवाया, एक गुरु के आने के लिए सब कुछ तैयार रखा। अब जब वो आए, तब तक वो 72 साल से ज्यादा के हो चुके थे। वो बोधि धर्म के स्वागत के लिए अपने साम्राज्य की सीमा तक आए। बोधि धर्म इससे प्रभावित नहीं हुए। निश्चित ही उन्हें कुछ आराम की और खाने की जरूरत थी, पर वो इस भव्य स्वागत से इंप्रेस नहीं हुए। पर उन्होंने स्वागत स्वीकार किया और बैठ गए। और जैसे ही वो दोनों बैठे, वो बोले, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? बोधिधर्म बोले, हां बेशक, पूछिए। तो उन्होंने पूछा, मैंने इतने सारे मेडिटेशन हॉल्स बनवाए, इतने सारे बगीचे तैयार किए, इतने सारे अनुवाद, ये सब कुछ मैंने दुनिया के इस हिस्से में बुद्ध के संदेश के प्रसार के लिए किया है, क्या मुझे निब्बाना मिलेगा? निब्बाना मतलब निर्वाण या मुक्ति या आत्मज्ञान। बोधिधर्म ने उन्हें देखा, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर उनको देखा और बोले, क्या तुम्हें निब्बाना? तुम घोर नरक में जलोगे। किसी ने अभी अभी आपका स्वागत किया, आपको सब कुछ दिया, खाना दिया, और अब वो ऐसा बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं तुम्हारे लिए कोई चांस नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि तुम ये सब चीजें कर रहे हो और फिर इसका हिसाब किताब रख रहे हो कि तुमने अपनी जिंदगी में कितनी चीजें की हैं। तुम कहीं नहीं पहुंचने वाले। और वो चले गए। कई जगहों पर लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो बस चले गए। और वो एक शाओलिन मंदिर के पास चले गए, पर वो मंदिर के अंदर नहीं गए। वो पास की एक गुफा में जाकर बैठ गए। तो जब बोधिधर्म गुफा के अंदर जाकर बैठ गए, तो जनरल शेन पहुंचे। वो उनके शिष्य बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि बोधिधर्म कलरी के ज्ञाता हैं, कलरी के महारथी। पर बोधिधर्म एक शब्द भी नहीं बोल रहे। उन्होंने 9 साल इंतजार किया। तब बोधिधर्म गुफा से बाहर आए और मंदिर में गए। जनरल शेन उनके पीछे विनती करते हुए गए, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बोधिधर्म बोले, ये तभी होगा जब ये बर्फ लाल हो जाएगी। तो जनरल शेन ने शौर्य और बलिदान की भावना में उन्होंने अपनी ही बाईं भुजा काट दी और अपनी बांह को चारों ओर लहराया और उनका खून चारों तरफ की बर्फ पर गिरा और उसमें जम गया। बोधिधर्म ने यह देखा और अब वो उसे और दूर नहीं रख सके। उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। तो कलरी में निपुण जनरल शेन, जो अपने आप में एक गुरु बने,
और वहां से आया जो प्रसिद्ध है, एक हाथ से नमस्ते। आज भी इसे किया जाता है। ये जनरल ट्रेन से आया जिनका एक ही हाथ था, वो अपना नमस्ते ऐसे करते थे। कलरी को सभी मार्शल आर्ट्स की जननी माना जाता है। कलरी को अगस्त्य मुनि ने बनाया एक कला के रूप में, ताकि योगी और साधक जंगली जानवरों से अपनी रक्षा कर सकें। It is from here martial arts went to China when Bodhidharma traveled and set up this first Shaolin school. Even today that school is in existence. और यहाँ से ही मार्शल आर्ट चीन पहुँचा, जब बोधिधर्म वहाँ गए और पहला शाओलिन स्कूल शुरू किया। आज भी ये स्कूल है और बढ़िया काम कर रहा है। उन्होंने कई तरह के बदलाव किए हैं, पर बुनियादी स्वरूप कलरी से ही है। असल में ये एक लड़ाई की प्रक्रिया नहीं है जैसे दूसरे मार्शल आर्ट्स बन चुके हैं। ये वास्तव में एक अनुशासन है, एक तरह से योग अभ्यासों का एक उल्लासमय रूप है, जो शरीर का अलग अलग तरह से उपयोग करते हुए आपकी भौतिक मनोवैज्ञानिक संरचना और ऊर्जा सिस्टम के बारे में आपकी समझ को गहरा बनाता है।